अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम नफीसा है, आदे का फन उल्सा। तो आज हम लोग ईद कार्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पिंक कलर की ए फोर शीट ले ली है, उसको हाफ मोड़ी है। तो अब मैंने हाफ एंड जो है पूरे स्क्वायर शेप में निशान लगा लिए हैं। तो अब हम दरमियान में से पूरे को काट देंगे। तो देखिए ये कट कर लिया। अब इसी पैरेट कलर के ए फोर शीट के इसके ऊपर रख के पेंसिल के साथ ड्रॉ करके इसको भी ऐसे ही काट लेना है। ये देखिए अब ये दोनों एक जितनी बन गई हैं। तो अब जो पिंक वाले के अंदर से निकला था, अब हम चारों तरफ इसके डबल डिप लगा देंगे। उसके बाद स्ट्रिप्स जो हैं वो इजीली लग जाएगी। अब ये देखिए चारों तरफ मैंने लगा दिए हैं। अब मतलब काम आसान हो जाएगा उतार के लगाई जाना। अब ये देखें इस तरीके से यहाँ तक, ये देखें इस तरीके से मैंने सारे पे लगा देना है। ये देखें अब हमने इसी तरीके से इस साइड को भी करना है। अब ये देखें हम ये ब्लॉक्स कुछ इस तरीके से बनाएंगे, नीचे ऊपर। देखिए ये तैयार हो गई है। तो अब हमने ये ग्रीन वाली जो हमारी थी इसको अब हमने डबल टेप तो पहले से लगी हुई है, जहाँ जहाँ पे जैसे इधर इधर नहीं लगी कॉर्नर्स पे, तो उधर मैं ग्लू लगा दूँगी ताकि वो अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। तो पहले मैं ग्लू लगा दी और फिर इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो देखिए मैंने जोड़ दिए। अब हम इसके अंदर दरमियान में पिंक कलर लगाएंगे और इसके मैं ऊपर ऊपर बीड्स लगा दूँगी। यहाँ पे और बाकी भी इस तरीके से। ये देखिए अब मैं चांद लगाऊंगी। अब मैं ये उतारूंगी। ये यहाँ बाकी पे भी कवर कर दी। ये देखिए मैंने ये भी लगा दी और अंदर ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू लिखती है। तो ये देखिए कितना सिंपल सा और प्यारा सा कार्ड रेडी हो चुके है। तो वैसे तो ये कंप्लीट हो गया था लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं था ओड़ा, तो जिसकी वजह से फिर मैंने ब्लैक कलर सोचा कि ब्लैक कलर पीछे जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ये देखिए कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी? मुझे तो बहुत प्यारा लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए अलग।